ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस टिक्सी फ्रॉम मैजिक वेंसडेरो हिंदी उर्दू, और ये है आपके लिए फ्रेंड्स नई रीडिंग। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेज है उनका आपके लिए। सो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे इस रीडिंग को, बहुत दिन हो गए, तो फ्रेंड्स आ गई आपकी रीडिंग। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। और ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। और सो फ्रेंड्स, ये रीडिंग टाइमलेस भी है, सो आप जब भी इसे देखो कि आपको हेल्प करेगी और आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट भी करेगी। ऑल्सो फ्रेंड्स, क्या आपने फरवरी की हॉरोस्कोप्स चेक कर ली हैं? मैंने सारे साइंस कर दिए हैं हिंदी उर्दू में, लिंक्स टाइम स्टेम्स में है, या जो लास्ट प्रीवियस रीडिंग है इस वीडियो से पहले वाला वीडियो, वो ऑब्वियसली फरवरी रीडिंग्स ही है, तो आप चेक कर लो। ऑल्सो इंग्लिश में आ रही हैं फ्रेंड्स, तुरंत आ रही हैं, बहुत जल्दी आ रही हैं। सो जी हाँ, सो व्हाट एल्स, अभी तो यही अनाउंसमेंट है फ्रेंड्स, और तो कोई फ़िलहाल मेजर अनाउंसमेंट्स नहीं है। और आप लोग कैसे हो, हाउ आर यू ऑल डूइंग, आप लोग कैसे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आर यू गाइज फीलिंग हैप्पी, क्या कैसा लग रहा है आजकल आपको लाइफ में? डेज आर गोइंग फास्ट, ऐसा लग रहा है मुझे तो कि बहुत जल्दी 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 टाइम जा रहा है। अभी तो जनवरी शुरू हुआ था और अभी न्यू मून भी आ गया है। हाँ, न्यू मून वाली, हाँ न्यू मून से याद आया मुझे, जी हाँ। एक अनाउंसमेंट भूल गई मैं, और अनाउंसमेंट है कि न्यू मून की रीडिंग हो गई है। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे न्यू मून की रीडिंग कर दो, सो मैंने कर दिए फ्रेंड्स। मेन चैनल मैजिक वेंसडेरो पे चेक कर लो तुरंत जाके, व्हाट पॉजिटिव चेंज इज़ कमिंग फॉर यू। ये न्यू मून काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो ज़रूर आप इसे चेक कर लो। और कब था न्यू मून, आज था, सो या प्लीज़ गो एंड चेक। सो देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। बैक टू लव, सो हाउ इज आर व्यूअर्स पर्सन फीलिंग, देयर करंट थीम राइट नाउ, ओके, थ्री ऑफ वॉन्स, सो काफ़ी मैच्योर फील कर रहे हैं आपके पर्सन फ्रेंड्स। आई ऑल्सो फील कि वो फ्यूचर को लेके काफ़ी श्योर फील कर रहे हैं, या काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं आप और आपके कंबाइंड फ्यूचर को लेके, काफ़ी सोच रहे हैं आपके पर्सन फ्यूचर को लेके, पैशन को लेके, मैच्योरिटी को लेके। सो यस, ओह द वर्ल्ड, ओ माई गॉड, सो आई डू फील फ्रेंड्स, आई फील कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है उनको आपके साथ, एक सेंस ऑफ कम्प्लीशन भी है। हो सकता है आपने एक ईयर कम्प्लीट करा हो, या एनिवर्सरी हो रिसेंटली आपकी, एंड दे काइंड ऑफ मिस यू, या आपका बर्थडे हो, उनका बर्थडे हो, यू नो समथिंग हैज़ यू नो रीच्ड अ फुल सर्किल, और उस चीज़ का आपके पर्सन को है कि हाँ, I am ready to move out of my comfort zone. मैं तैयार हूँ जंप लेने के लिए, प्यार में और ज़्यादा गहरा जाने के लिए। So two of cups, yes they are ready for a relationship friends. Yes I do feel, अगर ये no contact situation है, definitely आपके person आपके साथ बात करना चाहते हैं, they feel काफ़ी positive आपके बारे में। I also feel friends, अगर ये crush है आपके, तो they see potential, you know, they see potential in you and this connection. उनको लगता है कि आप दोनों में लॉन्ग टर्म जाने का, लाइक ये रिलेशनशिप लंबी चलेगी, उन्हें ऐसा लगता है, they have strong feelings about you. Also ये connection long distance हो सकता है, and या आप लोग no contact में हो सकते हो right now, but still they are thinking about you. I don't know, I'll have to clarify, there is something more about this card. What is about this? What are they feeling right now? Chariot. I think वो definitely आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं फ्रेंड्स, they want to bridge the gap between you. I think ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन में गैप बहुत आ गया है, दूरियां बढ़ गई हैं, या काफ़ी लंबे समय से आपने काफ़ी बात डीपली बात नहीं करी, फेस टू फेस मीटिंग नहीं हुई है आप लोगों की, सो दे वॉन्ट टू ब्रेक दैट एंड कम टूवर्ड्स यू, travel towards you, make a move. I feel they want to make a move towards you. I also feel कि वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं इस relationship में, you know, धमाकेदार entry से वापस आपकी life में आना चाहते हैं. So yes, I do feel friends, there is a lot of love in this connection. आपके person feel कर रहे हैं आपके लिए, and passion also, because three of wands is like, I feel very passionate about you. So how is our viewers person feeling currently? Five of Wands, competition.
ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि आपके पर्सन जो हैं डेफिनेटली आपके दे वांट टू बी विद यू, ऐसा लग रहा है. लाइक आई फील लाइक देर इज़ कॉम्पिटिशन इन दिस कनेक्शन. हो सकता है आपके पर्सन को लगता हो आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या यू नो लाइक दे आर स्टिल कम्पीटिंग विद देयर ईगो. ऐसा भी हो सकता है कि उनको अपने वर्क से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो वर्क और आपके बीच चॉइस बन गई है किसको चूज़ करें. आई ऑल्सो फील कि दिल और दिमाग के बीच एक कश्मकश चल रही है आपके पर्सन के बीच. लाइक दे कांट डिसाइड कि दिल की सुने या दिमाग की सुने. ओह द क्वीन ऑफ रॉड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन. आई थिंक आपके पर्सन जो हैं इस बार दिल की सुनना चाहते हैं, अपने पैशंस की सुनना चाहते हैं. दे वांट टू टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन. ऑल्सो वो इस बार ईगो की नहीं सुनना चाहते हैं. दे वांट टू डिच देयर ईगो एंड चूज यू. द सन, या ये कार्ड हमेशा आता है फ्रेंड्स इस रीडिंग में, बिकॉज आई फील योर पर्सन कॉन्स्टेंटली हैज़ डीप फीलिंग्स फॉर यू. दे फील कि ये कनेक्शन बहुत ही डिवाइन है, डेस्टाइंड है और बहुत ही स्ट्रांग है. लाइक जैसे सूरज को आप यू नो कैसे भी दिन आते हो, आपने देखा होगा क्लाउडी डेज आते हैं बट सूरज वहीं रहता है ना, हमें दिख नहीं रहा होता, बट इट इज़ देयर. दैट इज़ हाउ योर पर्सन फील्स अबाउट यू. यू आर लाइक द सन इन देयर लाइफ. आप हो, हमेशा हो. सकता है आपने कभी बात नहीं की हो, आपके बीच दूरियाँ आई हों या कोई और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो, बट योर पर्सन फील्स कि आप कॉन्स्टेंटली एक सन की तरह उनकी लाइफ में गाइडेंस कर रहे हो. कॉन्स्टेंटली यू आर देयर इन देयर लाइफ वेदर दे टॉक और नॉट विद यू. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस हो सकते हैं फ्रेंड्स. आई ऑल्सो फील कि डेफिनेटली अब आपके पर्सन की जो सेल्फ वर्थ है बढ़ रही है. पहले इनको काफ़ी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, या ईगो में बहुत ज़्यादा थे आपके पर्सन, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ भी बहुत लग रहे थे. बट राइट नाउ दे वांट टू वैल्यू यू, दे सी योर वैल्यू वेरी वेरी क्लियरली. उनको पता है आप क्या हो, आपका आप क्या हो उनकी लाइफ में, किस लिए हो. दे ऑल नो दैट. आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स आपके पर्सन जो हैं डेफिनेटली दे फाइंड यू अ कैच. अगर ये क्रश भी हैं आपके तो दे सी यू एज अ कैच. और ऑल्सो उनको ये भी लगता है कि हो सकता है आपकी लाइफ में और ऑप्शंस हैं, बिकॉज यू आर कम्प्लीटली वर्थ इट. सो उन्हें ये भी लगता है. द मून, डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस. आई थिंक आपके पर्सन आपको ड्रीम के थ्रू काफ़ी रीच करना चाह रहे हैं. इमोशनली दे वॉन्ट टू रीच आउट टू यू फ्रेंड्स. हो सकता है आपको ड्रीम्स वगैरह भी आ रहे हो, या ऐसा लग रहा हो एनर्जेटिकली कि कोई आपको ना ये खींच रहा है. लाइक दिस पर्सन इज ट्राइंग टू पुल यू. आई डू फील फ्रेंड्स काफ़ी कनेक्टेड फील कर रहे हैं आपके पर्सन, काफ़ी इमोशनल भी फील कर रहे हैं आपको लेके. वो आपको सोचते भी बहुत हैं, स्पेशली ड्यूरिंग स्लीप दे थिंक अ लॉट अबाउट यू, ड्रीम अ लॉट अबाउट यू. आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के आपके पर्सन एक लॉयल्टी रखते हैं आपसे. वो लॉयल्टी समझाना मुश्किल है शब्दों में बयान कर पाना, क्योंकि वो लॉयल्टी है. लाइक दे आर कॉन्स्टेंटली इन लव विद यू. लॉयल है वो किसी, हो सकता है कोई थर्ड पार्टीज उन्हें रोक रही हो, लेकिन स्टिल दे आर वेरी लॉयल टूवर्ड्स यू. ओके, सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस लीब्रा जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन. आप लोग खुद एक्वेरियस लीब्रा जेमिनी हो सकते हो. सो आई थिंक अगर आप लोग एयर साइन हो सकता है योर बर्थडे इज कमिंग, सो या आपके पर्सन उस बारे में सोच रहे हैं कि लाइक दे यू नो एक पूरा साइकिल हो गया है, अनदर ईयर, लाइक इट्स टाइम टू विश यू. दे आर वेरी हैप्पी टू विश यू, या वो सोच रहे हैं आपके बारे में कि कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. या हो सकता है आप कैप्रिकॉर्न रहे हो, यू नो लाइक यू माइट बी अ जनवरी बॉर्न, तो वो सोच रहे हैं उस बारे में कि आपका बर्थडे पे क्या कर सकते हैं या क्या नहीं. यू नो मे बी इट कुड हैव बीन इन द लाइक पहले जनवरी में आपका बर्थडे गया हो. तो एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, आई फील देर इज़ अ न्यू स्टार्ट कमिंग फॉर यू फ्रेंड्स. देर इज़ अ लॉट ऑफ न्यू स्टार्ट कमिंग फॉर यू. आई डू फील इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं या कुछ ऑफर करने वाले हैं, बहुत ही सब्सटेंशियल, जिसको आप मना नहीं कर पाओगे. एंड डेफिनेटली एक न्यू शुरुआत, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस के साथ एक न्यू शुरुआत होने वाली है इस कनेक्शन में. सो गेट रेडी फ्रेंड्स. टू ऑफ वॉन्स, आई एम मैच्योर नाउ. मैं पहले बुद्धू था, अब नहीं हूँ. नो जजमेंट्स, ये लड़की भी हो सकती है, सो नो जजमेंट्स. सो या आई फील आपके पर्सन इमोशनली काफ़ी मैच्योर हो रहे हैं फ्रेंड्स. दे हैव लर्नड अ लॉट रिसेंटली. एंड द मैजिशियन, यस, दे फील अ स्ट्रॉन्ग पुल टूवर्ड्स यू. आपकी तरफ बहुत खिंचाव महसूस करते हैं, बहुत अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू.
पेज ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज हो सकते हैं. आई थिंक व्हेन दे थिंक अबाउट यू उनको काफ़ी ऐसा लगता है लाइक यू नो आपके पर्सन जब भी आपको सोचते हैं फ्रेंड्स दे फील हेल्पलेस, दे फील दे कांट कंट्रोल, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. दे फील वेरी यंग, बहुत ही यंग और यूथफुल महसूस होता है उन्हें आपके बारे में सोच के. सो दे फील लाइक अ चाइल्ड विद यू, लाइक व्हेन दे थिंक अबाउट यू उनको एक चाइल्डिश हैप्पी फीलिंग आती है. यू नो छोटे बच्चे देखे हैं आपने, कितने खुश होते हैं ना वो हर छोटी सी चीज़ पे, तो उनको ऐसा ही लगता है आपके साथ फ्रेंड्स. हैंग्ड मैन, आई डू फील फ्रेंड्स ऑल दो आपके पर्सन की फीलिंग्स काफ़ी डीप हो गई हैं, वो अपने ईगो से भी काफ़ी हद तक बाहर आ गए हैं, एंड आई फील कि आपके पर्सन की लाइफ में हीलिंग हो रही है, आप दोनों के कनेक्शन में हीलिंग काफ़ी है. बट आई फील स्टिल ये रिलेशनशिप उतनी फास्ट नहीं चल रही जितना आप चाह रहे हो. आई थिंक दिस पर्सन इज लाइक वो ब्रेक ही लगाते रहते हैं, यू नो. हो सकता है कि आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस प्रॉब्लम बन गया हो, इस वजह से चीज़ें धीरी हैं, इसीलिए वो चाहते हैं आपसे मिलके बात करना. आई ऑल्सो फील ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टीज़ भी आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही हैं, चाहे तो कोई और पर्सन हो या आपके पर्सन का ईगो हो या आप दोनों का वर्क जो है काम के लाइफ लव लाइफ के बीच में आ गया है. आई थिंक आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा वो धीरे और संयम से चलना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है पिछली बार उन्होंने काफ़ी फास्ट इस रिलेशनशिप को चला दिया था और उसमें सब गड़बड़ हो गई. थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर विद यू. हो सकता है फ्रेंड्स ये पर्सन आपके साथ वर्क करते हों या स्टडी करते हों, तो ये वहाँ पर डेफिनेटली आपके साथ बेटर एक यू नो वहाँ से बात शुरू करना चाहते हैं. आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स हो सकता है ये पर्सन आपके नेबरहुड में रहते हो, तो दे वांट टू मीट यू, लाइक दे वांट टू डू समथिंग विद यू, लाइक चलो पार्क चलते हैं, बात करते हैं, कुछ साथ काम कर ले, लाइक दे वांट टू हेल्प यू ताकि आपके क्लोज आ सके, वो आपसे बात कर सके, आपको बेहतर जान सके. एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, या दिस पर्सन इज कॉट इन अ वेरी बैड कार्मिक साइकिल फ्रेंड्स. बहुत ही लंबे समय से आपके पर्सन एक कार्मिक साइकिल में थे और इस वजह से जो थी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चल रही थी आपके पर्सन की लाइफ में. ईगो इश्यूज़ भी थे, थर्ड पार्टीज़ भी थी, बट अब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक उन्होंने अपनी कार्मिक लेसन्स को ठीक कर लिया है या लर्न कर लिया है, और अब आपके पास वापस आने की उनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक चांसेस हैं वापस आने के उनके आपकी लाइफ में, या वापस इस रिलेशनशिप को और अच्छा होने में यू नो जल्दी हो जाएगी. लाइक ऐसा लग रहा था पहले आपके पर्सन की लाइफ में जैसे आप भी थे और कोई और चीज़ भी इंपॉर्टेंट थी, जैसे मुझे पैसा कमाना है, आई कांट, अभी मैं प्यार में नहीं हो सकता बिकॉज मुझे पैसा कमाना है, अभी मैं आपको घर खरीद के नहीं दे सकता क्योंकि मुझे अभी काम करना है, या अभी मैं ऑलरेडी किसी और के साथ हूँ सो मैं अभी आपके साथ नहीं हो सकता. सो आई फील वो चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही हैं. दे वॉन्ट दे आपके पर्सन श्योर हैं कि उन्हें आपके साथ होना है अब. द विप नंबर 11, सो ओ माई गॉड 11 की एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स. ये सो आई डू फील के आपके पर्सन को काफ़ी सारे झटके मिले हैं और उनसे काफ़ी सारे लेसन्स उन्होंने सीखे हैं. सो योर पर्सन इज़ लर्निंग, इम्प्रूविंग. फिश, लॉट ऑफ लव, नंबर 34. फिश एक ऑल्सो साइन है फॉर कनेक्टेडनेस, इमोशनल कनेक्टिविटी. आपसे काफ़ी कनेक्टेड फील करते हैं, काफ़ी इमोशनल रोए भी हैं वो, जैसे आपके आपको लेके काफ़ी रोते भी हैं, लाइक दे मिस यू अलॉट. नंबर 34 इंपॉर्टेंट है. क्रॉस फेटेड, दिस इज़ अ फेटेड कनेक्शन फ्रेंड्स. आप दोनों का फेट है साथ में. अगर आप दोनों अभी नो कॉन्टैक्ट में हो या दूर भी हो तो भी इट इज़ फेटेड. देर इज़ डिवाइन टाइमिंग इन दिस कनेक्शन विच इज़ अफेक्टिंग. और आप लोगों के किसी के तो शोल्डर में दर्द हो रहा है फ्रेंड्स, प्लीज़ पॉस्चर को ठीक कर लो, अच्छे से बैठ जाओ, क्योंकि काफ़ी मुझे लग रहा है कि समबडी इज़ हैविंग अ वेरी नाइस शोल्डर पेन बिकॉज ऑफ अ बैड पॉस्चर. बैठने के बेढंग के तरीके से बैठने से आपकी कमर, आपकी बॉडी, आपकी नेक पे बहुत प्रेशर आता है. सो प्लीज़ सिट अपराइट, सिट स्ट्रेट, होपफुली आपको हेल्प मिले. ओके, लेट्स कम बैक टू द रीडिंग. फॉक्स नंबर 14. आई थिंक आपके पर्सन जो है काफ़ी पैनी नज़र आप पे रखे हुए हैं फ्रेंड्स. दे आर वॉचिंग यू, दे आर कीपिंग एंड आई ऑन यू. फॉक्सी लेडी, आई कीप हियरिंग दैट फॉक्सी लेडी ऑन द फ्लोर. सो
आई थिंक आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ही सुंदर हो गए हो. यू हैव ग्रोन मोर ब्यूटिफुल. यू आर लुकिंग वेरी सेक्सी. यू आर लुकिंग वेरी सैसी. आप सुंदर हो गए हो. बहुत ही रेडियंट होते जा रहे हो. सो दे फाइंड यू वेरी ग्लैमरस राइट नाउ, मैन और वुमेन. एंड स्नेक, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज. येस फ्रेंड्स, आपके पर्सन रेडी हैं टू चेंज थिंग्स इन दिस लाइफ. आई थिंक वो थोड़े से चाइल्ड लाइक बचपने में थे पहले. अब उस चीज को वो समझ रहे हैं कि ऐसी रिलेशनशिप नीड्स अ बिट ऑफ मेच्योरिटी. सो समझ रहे हैं आपके पर्सन इस चीज को. लेट अस सी व्हाट एल्स इज हैपनिंग. फेलियर. I understand that a mistake is only an opportunity to learn. I feel आपके person को पहले ऐसा था जो inferiority complex कि वो failure हैं, वो कुछ अच्छा achieve नहीं कर सकते, बड़ा achieve नहीं करेंगे तो आपके पास कैसे आएंगे. You know, like they may have let you down also in the past. I think वहाँ से वो heal कर रहे हैं. You know, like they had some tough challenges. Tough lessons रहे हैं आपके person के friends. Loneliness, they are really lonely without you, friends. Very, very lonely. This person really wants you, needs you, and can't live without you. अगर वो किसी और के साथ भी हैं तब भी वो अकेले हैं. आप जैसा उन्हें कोई नहीं समझ पा रहा है. And I keep hearing that song, Uff, Teri Ada, I like the way you move. You know that song? काफ़ी पुराना गाना है और बेहद खूबसूरत गाना है. I think आपके person आपसे कहना चाहते हैं कि यू नो आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं. वो गाने में भी एक लाइन है कि तेरे हुस्न से ज़िंदगी हसी, तेरे आगे कोई हसीना कुछ भी नहीं. सो समथिंग लाइक दैट. यू नो योर पर्सन फील्स लाइक यू आर द वन फॉर देम फ्रेंड्स. एंड दे अगर वो आपके साथ नहीं है तो बहुत लोनली है. अगर वो किसी और के साथ भी हैं तो भी खुश नहीं है. अगर उन्होंने करियर को चुना है, पेरेंट्स को, फैमिली को, वर्क को चुना है तो भी वो खुश नहीं है. सो आप ही उनकी खुशी हो फ्रेंड्स. एंड ग्रीफ, ओ माय गॉड, आपके पर्सन डेफिनेटली सैड है फ्रेंड्स. अगर उन्होंने आपको हर्ट वगैरह करा है तो उस चीज का उन्हें दुख है, अफसोस भी है, रिग्रेट भी है. एंड दे रियली वो आपको चाहते हैं फ्रेंड्स. एंड दे वांट यू इन लाइफ. लव, सी आई लव यू, आई वांट यू, आई नीड यू. सो बहुत सारा प्यार है आपके पर्सन की दिल में आपके लिए. एंड दे वांट यू बैक फ्रेंड्स. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग टच में नहीं हो या नो कॉन्टैक्ट में हो फिलहाल. लेट्स सी, क्लियर योर ऑरा. वाओ, नंबर 7. आई फील ऐसा लग रहा है मुझे फ्रेंड्स, आपके या तो पर्सन में कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स थे या डार्कनेस, शेडो साइड्स थी. यू नो कोई जैसे कोई हैबिट थी जो कि बुरी आदत थी जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ, या वो ज़िद्दी बहुत थे, इगोइस्टिक थे, या अपनी ज़िद पे अड़े हुए थे, या यू नो लाइक और चीज़ों से उन्होंने इन्फ्लुएंस होकर इस रिश्ते को ख़राब कर लिया. सो नाउ दे अंडरस्टैंड कि चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. एंड दे आर ट्राइंग टू हील देयर डार्क साइड. जो बुरी आदतें हैं, गुस्सा है, एंगर है, यू नो किसी थर्ड पार्टी में रहना, किसी और के पास जाना, आपको कम तवज्जो देके किसी और से मोहब्बत करना, वो सब वो चीज़ें ठीक कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू मेक इट वर्क. प्रैक्टिकल इंट्यूशन, नंबर 30. आई डू फील फ्रेंड्स, आपके पर्सन के और आपके बीच बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी है. बट आपके पर्सन जो है उस चीज को ऐसे मानते हैं कि अरे कई बार वो उस चीज़ को डाउट करते हैं. दे फील यू एंड देन दे स्टार्ट डाउटिंग कि अरे यार ऐसे थोड़ी हो सकता है कि वो सोच रहे हो, या वो मेरा नाम ले और मुझे यहाँ पता चल जाए. यू नो दे काइंड ऑफ डाउट देयर इंट्यूशन. प्रॉस्पेरिटी, येस आई फील आप ही अपने पर्सन का सोना हो, धन हो, लक्ष्मी हो, या जो भी यू नो वॉट यू वेट वेयर यू आर, लाइक यू आर द वन फॉर योर पर्सन. आपके बिना इस पर्सन को कहीं चैन नहीं है फ्रेंड्स. हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम हो, एक्स हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, कोई क्रश भी हो सकते हैं. बट दे आर, ऐसा लग रहा है ये पैसे के पीछे पागल थे फ्रेंड्स. दे वांटेड समथिंग एल्स. पैसा है, फेम है, सक्सेस है, एम्बिशन है, कोई और पर्सन, कोई और सक्सेसफुल पर्सन चाहते थे ये. मे बी कई बार होता है ना, हमें तो बहुत सुंदर पर्सन चाहिए, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें पता चलता है ओ वी ऑलरेडी हैड वॉट वी वॉन्टेड. ऐसा हो गया है आपके पर्सन के साथ फ्रेंड्स. सो अभी क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं. व्हाट इज, हाउ आर दे करंटली थिंकिंग अबाउट यू? व्हाट्स रियली थिंकिंग? व्हाट इज द रियल थॉट?
हमने सोचा, फीलिंग्स तो हमने जान ली, हम थॉट्स भी जान लेते हैं एक बार उनके. असेंडेड मास्टर स्पिरिट, वाओ. अगेन यहाँ देखो आप, इन्फिनिटी का साइन आया है और यहाँ पिरामिड्स भी आए हैं, लोटस है, डव है. सो आई थिंक आपके पर्सन चाहते हैं कि यू नो, उनको समझ आ रहा है कि ये रिश्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है. और फॉर मुझे डव बार बार दिख रहा है, तो दे वॉन्ट योर फॉरगिवनेस. आई फील लाइक दे वॉन्ट फॉरगिवनेस, एंड काफ़ी वो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को अपनी डार्क साइड से निकालने की, पीस पे फोकस कर रहे हैं. येस ऑफ कोर्स, इस कनेक्शन में वो पीस लाना चाहते हैं. बिहाइंड द मास्क, आई थिंक अपनी फीलिंग्स को उन्होंने छुपा रखा है. वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और अगर आपने अपनी फीलिंग्स छुपा रखी हैं तो वो आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप खुल के बता दो कि आप प्यार करते हो या नहीं. डोंट हाइड. ऐसा लग रहा है आप भी अब इस पर्सन को अपने दिल की पूरी पूरी बात नहीं कहते. सो विक्टिम, या आई फील आपके पर्सन बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी में थे फ्रेंड्स, और अभी भी है थोड़े हद तक. तो काफ़ी उन्होंने रिकवर किया है, हील किया है. यू नो, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में हैं. जैसे अगर आप डिफरेंट रिलीजन कल्चर से हो तो आपके पर्सन यही बोलते होंगे, अरे हमारी तो होएगी नहीं शादी, हम तो हो ही नहीं सकते, यू नो, कभी पॉसिबल ही नहीं है. सो काइंड ऑफ लाइक नेगेटिव थिंकिंग, अरे जब तक पैसा नहीं आएगा मैं कैसे हैप्पी हो सकता हूँ, जब तक पैसा नहीं आएगा मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ. सो लाइक विक्टिम, आई एम, यू नो, मेरी लाइफ में तो सब कुछ खराब हुआ है, मेरा तो कभी पास्ट में ही अच्छा नहीं हुआ तो अब कैसे अच्छा हो जाएगा. विक्टिम, दे नो दे प्लेड. ये वर्गो लग रहे हैं फ्रेंड्स मुझे, हो सकता है पर्सन वर्गो हो, अगर ऐसा लग रहा है मुझे. जॉयस वन, आपके साथ इन्हें बहुत खुशी मिलती है फ्रेंड्स. डेफिनेटली दे आर हैप्पीएस्ट व्हेन दे आर विद यू. एंड यस, इन्होंने बाहरी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है फ्रेंड्स, स्टेटस के ऊपर, लुक्स के ऊपर, और लैविश सोशल मीडिया लाइफ के ऊपर. यू नो, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ थी और कहीं ना कहीं ये बहुत ख़राब चीज़ भी है. स्पेशली लाइक यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, इट्स लाइक अ माया जाल जहाँ से आप बहुत सारे हीरे हैं जो आप ले सकते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे नकली वो भी हैं जो आप, यू नो, आपको भ्रमित कर सकते हैं, घुमा सकते हैं. सो लाइक देर आर चैनल्स जिनसे आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो. आर्ट है, ये है, टेरो सीख सकते हो, लाइक यहाँ से आके आपको बहुत सारी हीलिंग, गाइडेंस, पॉजिटिविटी मिल सकती है. बट ऐसी बहुत सारी चैनल, जैसे सोशल मीडिया से कई बार लोगों को लगता है कि अरे हम 10 बार ट्रैवल नहीं कर रहे तो हमारी लाइफ अच्छी नहीं है. आई थिंक फ्रेंड्स, अगर आप 10 बार ट्रैवल नहीं कर रहे हो और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को रोज़ कॉल भी कर रहे हो और आप स्वस्थ हो और खुश हो, तो आई थिंक यू आर लिविंग अ ग्रेट लाइफ. सीरियसली, जो ये सोशल मीडिया की लाइफ है बहुत दिखावे की, और आपके पर्सन दिखावे के चक्कर में, इट हैज़, दे हैव पेड अ प्राइस फ्रेंड्स. दिखावे की वजह से इनको बहुत महंगा पड़ा है. यू नो, लाइक इनके लिए बहुत बाहरी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, डिजर्विंग. नाउ दे फील के दे डिज़र्व यू, क्योंकि उन्होंने आपको खो दिया है या वो आपसे दूर हैं. तो नाउ अब उन्हें लगता है, उन्होंने जो लर्निंग ले रहे हैं कि हाँ, आई एम रेडी टू डिज़र्व यू नाउ. पहले वर्दी नहीं थे वो आपके, या रेडी भी नहीं थे. अब दे आर मोर रेडी टूवर्ड्स योर लव. तो फ्यूचर में क्या होगा इस कनेक्शन के, चलिए देख लेते हैं. टू बी फेयर, बैलेंस आएगा इस कनेक्शन में फ्रेंड्स. आई फील आने वाले दिनों के अंदर डेफिनेटली, अगर कोई इम्बैलेंस था इस कनेक्शन में तो डेफिनेटली वो दूर होगा. आपसे बातचीत बढ़ेगी, बैलेंस बढ़ेगा, आपके पर्सन बहुत मैच्योर भी लगेंगे आपको. नॉट फॉर यू नंबर 6. तो हो सकता है फ्रेंड्स आपके पर्सन आपसे बात करें आने वाले 6 घंटे, 6 दिन, 6 हफ्तों में. लेकिन हो सकता है उनके बात करने से आपको लगे कि अरे यार, दिस इज़ नॉट द वन फॉर मी. या हो सकता है कि वो आपको बोलें किसी, आई एम रेडी, वी आर द वन, वी आर मेंट टू बी, लेकिन मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए. तो थोड़ा सा आपको, लेट्स क्लैरिफाई दिस, व्हाट इज दिस अबाउट. ब्रीथ, पेशेंस, पेशेंस. आई डू फील फ्रेंड्स, अभी भी थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग है आप दोनों के बीच में, कुछ हीलिंग का. स्पेशली आपके पर्सन को थोड़ा मैच्योर होने का टाइम है. बट आई फील नेक्स्ट 6 घंटे, 6 दिन, 6 हफ्ते में आपके पर्सन आपको मैसेज करेंगे, आपकी बातें होंगी, कुछ ना कुछ डिस्कशन ज़रूर होने वाले हैं, डेवलपमेंट्स होंगे इस कनेक्शन में. ब्लेस्ड, येस, आपके पर्सन आपसे बात करके आप दोनों ही बहुत खुश महसूस करोगे, बहुत हैप्पी महसूस करोगे. अगर ये आपके क्रश हैं तो येस, आई फील ये आपको
किसी डेट वगैरह पे लेके जाएंगे और यू विल लुक एक्सीलेंट दैट डे. आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं कि सी यू आर लुकिंग सो ग्रेट, यू लुक वेरी नाइस, आई फील लाइक दे विल कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल्सो. सो येन या आई फील फ्रेंड्स, इसके आपके पर्सन में बहुत सारी स्वीटनेस और एनर्जी, स्वीटनेस आप नोटिस करोगे आने वाले दिनों में. लाइक ये पर्सन अगर बहुत ज़्यादा ईगो में रहते थे तो दे विल बिहेव वेरी वेरी स्वीट विद यू. ट्रेजर आइलैंड और आपको बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे आने वाले दिनों में. तो यू मे फील अ डाउट अबाउट दिस पर्सन कि यार ये इतना कैसे चेंज हो गए, सडनली ऐसा क्या हो गया कि एकदम प्यार आ गया इनको. सो आई थिंक यू विल आस्क सम, यू विल, आप इतनी जल्दी इन पे विश्वास नहीं करने वाले हो फ्रेंड्स. और आप आई थिंक अपनी जगह सही भी हो. सो लेट्स सी आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. लेट्स सी दैट. ओके, स्टैंड स्टिल. यहाँ चीज़ें ठहरी हुई हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि चीज़ें चल नहीं रही या बढ़ नहीं रही. हमने रूट्स को कभी देखा नहीं होता फ्रेंड्स. प्लांट्स की जो रूट्स होती है हम कभी नहीं देखते, लेकिन पता है वो अंदर ही अंदर शाखाएं बढ़ती रहती हैं. जितनी ऊपर से ट्रीज़ में ब्रांचेज होती हैं उतनी नीचे रूट्स में ब्रांचेज होती हैं और हमें वो दिखाई नहीं देती. सो चीज़ें ठहरी हुई हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है या वो आगे नहीं बढ़ रही है. डिवाइन टाइमिंग आपको अफेक्ट कर रहा है. ट्राई टू स्टे पॉजिटिव. प्रोटेक्शन, यस, आप और आपके पर्सन बेहद प्रोटेक्टेड हैं इस रिलेशनशिप में. हो सकता है आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टीज आ रहे हो, रिलीजन हो, कल्चर हो या लॉन्ग डिस्टेंस आ रहा हो, बट यू नो कीप थिंक पॉजिटिव, द गुड थिंग्स विल हैपन. सिंप्लिसिटी या ऑल्सो आप भी ज़्यादा अपने पर्सन की लाइफ को से यू नो भ्रमित मत हो कि अरे यार सोशल मीडिया पर हमें भी एक फेक लाइफ दिखानी है क्योंकि वो दिखा रहे. You don't need to do that, friends. You are amazing. You are beautiful. जैसे भी हो आप बहुत ही नायाब हो और आपके पर्सन आपको इसीलिए पसंद भी करते हैं. So keep things simple, enjoy your life and meditate. Be still. I think आप लोग definitely अपने पर्सन को सुन पाओगे या इस कनेक्शन को लेके क्या इम्पॉर्टेंट है वो आपको मेडिटेशन के थ्रू मिल जाएगा या आने वाले दिनों में जो एक एक देर इज़ अ पीस कमिंग इन दिस रिलेशनशिप. और वो पीस जब ही आ सकता है जब वो पीस आप में भी हो. राइट, लीडरशिप या यू गोना टेक चार्ज ऑफ योर लव लाइफ फ्रेंड्स. सो गेट रेडी एंड फोकस. आई थिंक अगर आप, मुझे लग रहा है फ्रेंड्स हमारे व्यूअर्स जो हैं थोड़े से विचलित हैं. आप लोग भी कह रहे यार ये रिलेशनशिप में तो बहुत टाइम लग रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें. सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए एक एडवाइस है कि कीप योर फोकस. ओके, जो आपको चाहिए आप उसको ध्यान में रखो. वो कैसे होगा ये ज़रूरी नहीं है, वो कब होगा ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने क्या आप क्या पाना चाहते हो वो आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. एंड देन यू विल सी अ मिरेकल हैपन. ओके, हाँ. सो जिसको भी शोल्डर पेन था वो अच्छा सा बढ़ गया है आपका. सो प्लीज टेक केयर. मे बी चेंज योर पॉस्चर प्रॉब्लम. सो या चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है. एनी एडवाइस फॉर आवर व्यूअर्स फॉर देयर लव लाइफ. थैंक यू. यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ. न्यू मून इन कैंसर. सो फ्रेंड्स आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए. आप और आपकी लव रिलेशनशिप्स और आपके पार्टनर बहुत ही सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं. गुड थिंग्स विल हैपन, वरी नॉट. सी आप कह रहे थे अरे यार ऐसा थोड़ी होता है जैसा तुम कह रही हो. होता है होता है. न्यू रोमांटिक साइकिल आ रही है फ्रेंड्स आपके लिए. सो गेट रेडी. न्यू मून इन लीब्रा. सो लीब्रा सीज़न जो है अक्टूबर में शुरू हो जाता है. बट आई फील हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत ही जल्दी, मुझे लग रहा है नेक्स्ट 6 घंटे 6 दिन 6 हफ्तों में कुछ ना कुछ रोमांटिक ज़रूर होने वाला है आपके लिए, आपकी लव लाइफ में. चाहे तो इस पर्सन के साथ या इन जनरल आपकी लव लाइफ में एक नई साइकिल आ रही है. एंड आई फील विद दिस पर्सन ऑल्सो यू आर फिटेड टू हैव अ न्यू स्टार्ट. ओके, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम. सो चीज़ें शुरू हो गई हैं फ्रेंड्स, चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई है इस कनेक्शन में. फीलिंग्स का, आपके पार्टनर का रेडी होना शुरू हो गई है, तैयारी शुरू हो गई है. अब चट मंगनी पट ब्याह ही होगा. सो आप तैयारी कर लो अपने कि क्या पहनना चाह रहे हो, आप क्या लेना चाहते हो. फोकस क्लियर रखना है अपना और टाइम टू ब्रीद आउट. सो यस, आई थिंक अगर अभी आपकी लव लाइफ स्लो चल रही है सो डोंट वरी,
दिस इज़ नथिंग टू वरी। ये स्लोनेस इसलिए है क्योंकि आगे आपको टाइम नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, फुर्सत नहीं मिलेगी। और जब ऐसा होता है कि ज़िंदगी में बहुत लंबे समय तक कुछ नहीं हो रहा होता है, तो फिर बहुत सारी फिर एक दिन अचानक सभी कुछ हो रहा होता है। सो गेट रेडी फ्रेंड्स, गेट रेडी। एंड अभी जो फ्री टाइम आपको मिल रहा है या जो एक पीसफुल टाइम आपको मिल रहा है अकेले या जैसे भी हो आप, इन्जॉय दैट एंड थिंक वॉट यू वॉन्ट रियली वॉन्ट इन योर लव लाइफ, बिकॉज एक न्यू रोमांटिक साइकिल आ रही है आपके लिए। सो गेट रेडी। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेज है। ओ सो व्हाट इज द लव मैसेज फ्रॉम देयर पर्सन फॉर आवर व्यूअर्स। काफी क्लंप हो रहे हैं कार्ड्स, आई डोंट नो व्हाई। लेट्स जस्ट शफल देम। क्या कहना चाहेंगे? ओके, सॉलिडैरिटी। I respect the power of solidarity and look for opportunities to unleash. When a loved one has something tough, I will heed their silent call and participate. So solidarity का मतलब आपके person आपको help करना चाहते हैं friends. I think in the past हो सकता है आपको ये पूरी relationship आप अकेले manage कर रहे थे, या आपके person कुछ ऐसा कुछ भी अपना लव इमोशन कुछ भी शो ही नहीं कर रहे थे, but I think अब वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे थे यार। Now ready to be a better partner for you friends, और वो जानते हैं कि अब relationship जो है वो एक equal game है, equal partnership है, जहाँ पे वो भी आपकी help करना चाहते हैं, वो भी अपना प्यार express करना चाहते हैं। So they wanna help you out friends। और हो सकता है वो आपके अगर crush हैं तो they अगर जैसे आप लोग school college में पढ़ रहे हो तो they will try to help you out। कह रहे यार लेट मी हेल्प यू, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ या आपकी प्रोजेक्ट में हेल्प कर देता हूँ ताकि वो आपके करीब आ सके। सो समझ रहे हैं ना आप? प्लेजर। आई थिंक आपके पर्सन जो है डेफिनेटली दे फील वेरी हैप्पी विद यू व्हेन दे थिंक अबाउट यू। उनको बहुत मज़ा आता है आपके साथ फ्रेंड्स, दे रियली इन्जॉय, दे फील हैप्पी, दे रियली इन्जॉय योर कंपनी। एंड डेफिनेटली वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो बहुत मिस कर रहे हैं आपके साथ जो अच्छा टाइम उन्होंने बिताया, या दे वांट टू क्रिएट सम गुड मेमोरीज, यू नो, आपको डेट पे ले जाना, टू हैव अ गुड टाइम, आपको कुछ गिफ्ट देना, टू जस्ट इन्जॉय लाइफ विद यू, यू नो, दे लाइक दैट सपोर्ट। आई लुक एट द वास्ट नेटवर्क ऑफ सपोर्ट इन माई लाइफ एंड रिमाइंडेड ऑफ वॉट अ सुपर पावर इट गिव्स मी। एट एनी मोमेंट आई कैन कॉल अपॉन एन आर्मी ऑफ पीपल हु वॉन्ट द बेस्ट फॉर मी, विच मीन्स आई एम बेसिकली इनविंसिबल। टेक दैट लोनलीनेस, रन फॉर द हिल्स, बोर्डम। आई थिंक आपके, और अगेन यहाँ पर लोनलीनेस की बात आई है, आई थिंक आपके पर्सन बहुत लोनली हैं फ्रेंड्स। हो सकता है वो एन्जाइटी, डिप्रेशन या ऐसे किसी डार्क फेज से गुजर रहे हैं जहाँ उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बट आई थिंक जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, यू आर एन अनकंडीशनल सपोर्टर, अ चीयर लीडर फॉर दिस पर्सन फ्रेंड्स। मतलब आपने इस पर्सन को बहुत सपोर्ट किया और आप अभी भी कर रहे हो, वेदर यू गाइज आर इन टच और नॉट, आप रोज़ बात करते हो या नहीं करते हो, यू रियली फील लाइक अ रॉक फॉर दिस पर्सन एंड दे नो इट। एंड आई थिंक आपके पर्सन ने हर जगह वो खुशी ढूंढने की कोशिश की है जो उन्हें आपके साथ महसूस होती है, वो उन्होंने काफ़ी लोगों में ढूंढने की कोशिश की, और रिश्तों में, दोस्तियों में, ऑनलाइन टिंडर डेट्स पे, जूम कॉल्स पे, लेकिन अफसोस उन्हें वो कहीं नहीं मिली वो खुशी जो उन्हें आपके साथ मिलती है। सो सीधे तो नहीं है फ्रेंड्स आपके पर्सन, मुझे कहना पड़ेगा ये चीज़ें। Warmth, oh my god friends, they really want to hug you, see, they want to hug you, a bear hug, like oh my god, like take it, take all my pyar, mohabbat, and like ooh. So I focus on warmth and let it guide all my interactions. I think they really, ye person aapko definitely apna pyar aur jazbaat dikhana chahte hain. They really want to hug you and let you know ke they love you, they care for you friends. I don't know why inhone aisa kya kiya hai कि आपके मन में ऐसा बिलीव है कि यार ये पर्सन तो मेरी केयर नहीं करता,
या ये पर्सन किसी की केयर नहीं करते. सो नाउ दे आर लाइक सी आई केयर फॉर यू, सी आई फील गुड, आई फील वेरी यू नो, एक बियर हग, एक दे वॉन्ट टू बी योर शुगर डैडी, शुगर मामा, यू नो. क्लिनजिंग, या आई फील आपके पर्सन जो हैं अपने पुराने ईगो वगैरह से, डार्कनेस से क्लींस कर रहे हैं, अपनी बैड हैबिट्स को भी थोड़ा ठीक करना चाह रहे हैं, क्विट करना चाह रहे हैं. और आई थिंक रिलायबल नहीं थे आपके पर्सन, जैसे कभी कोई प्रॉमिस किया तो उसके बाद वो कभी वापस कॉल बैक ही नहीं करते थे, या उन्होंने अगर आपसे कुछ कहा था कि अरे यार इतने बजे डेट पे मिलेंगे और फिर वो आए नहीं, इतने बजे कॉल करूँगा, और उसकी जगह उन्होंने ब्लॉक कर दिया, देन दे वॉन्ट टू टेल यू के सॉरी, एंड दे वॉन्ट टू से मैं सुधर रहा हूँ या सुधर रही हूँ. सो लाइक दे वॉन्ट टू बी देयर रिलायबल, दे वॉन्ट, आई फील लाइक वो अपने एथिक्स पे काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कह सकती हूँ. और वो डिवाइन टाइमिंग उनके साथ है, लाइक थोड़ा उनको टाइम लग रहा है, बट आई थिंक इवेंचुअली यू गाइज विल बी टुगेदर. एंड ग्रेस, आई थिंक दे आपके पर्सन आपको बहुत ही ग्रेसफुल लगते हैं, लाइक यू नो उनको लगता है आप लोग बहुत ग्रेसफुल हो हमारे व्यूअर्स, लाइक यू गाइज हैव सच मैनर्स, सच चार्म, यू नो आप लोग बहुत चार्मिंग हो, ग्रेसफुल हो, स्वीट हो, द वे यू ड्रेस अप, द वे यू स्पीक, आप कोई शायद ज़्यादा जल्दबाजी में बात नहीं करते हो, हार्श नहीं हो, टॉक्सिक नहीं हो, बहुत ही यू आर लाइक द बेस्ट काइंड ऑफ अडोरेबल पर्सन, बेस्ट पार्टनर. एंड आई थिंक आपके पर्सन रियलाइज करते हैं ये चीज़ों को कि यू आर द कैच, यू आर द मिलियन डॉलर पर्सन फॉर देम. सो फ्रेंड्स, अभी के लिए तो इतना ही. आई होप यू एंजॉयड दिस रीडिंग्स मैजिक वेंस टैरो. हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो, पर्सनल रीडिंग्स के लिए विजिट आवर वेबसाइट. दिस इज मिस्टिक सी सेइंग बाय बाय.